तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग देखने जा रहे हैं अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फील्ड टेस्ट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे स्विनबर्न मेथड की इस तरह से यूज करते हैं, और साथ में हमने देखा था हॉपकिंसन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों जो मेथड था वो था असेंट मोटर के लिए। ठीक है, अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं फील्ड टेस्ट ए है सीरीज मोटर के लिए। और इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कौन सा टेस्ट किस मोटर के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपको अच्छा से याद होना चाहिए। और साथ में हमने देखा था इन दोनों मेथड में हम लोगों ने क्या निकाला था, दोनों में हमने एफिशिएंसी निकाला था। और ये जो तीसरा मेथड है फील्ड टेस्ट, इसमें भी हम लोग एफिशिएंसी ही निकालेंगे। बस ये चौथा टेस्ट जो रिटार्डेशन टेस्ट है, यहाँ पर हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे स्ट्रे लॉस कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक स्विनबर्न मेथड या हॉपकिंसन मेथड नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा। इलेक्ट्रिकल मशीन गेट लिख करके नीचे एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें से आपको जो भी चाहिए वो आप वहाँ से निकाल लीजिएगा और आप उसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फील्ड टेस्ट के लिए। और फील्ड टेस्ट भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि स्विनबर्न और हॉपकिंसन मेथड से इफिशियंसी हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पर ए मेथड भी इफिशियंसी के लिए ही यूज होगा। तो इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है स्विनबर्न मेथड और हॉपकिंसन में। हमने देखा था हॉपकिंसन में हमने दो तरीका अपनाया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड और एक दूसरा सर्किट से हमने इफिशियंसी निकालने की कोशिश किया था। अब फील्ड टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मेथड है, जैसा कि हमने स्विनबर्न में देखा था सेम टू सेम फील्ड में। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्विनबर्न में हम लोगों ने एक शंट मोटर लिया था और यहाँ पर हम लोगों मोटर जनरेटर का एक सेट है फिर से। ठीक है, मोटर जो है जनरेटर को ड्राइव करेगा। और यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड हम लोग देख सकते हैं मोटर का हो या फिर जनरेटर का हो, दोनों का दोनों क्या है सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर VT है और यहाँ पर जो करंट सीरीज वायर से होकर जो करंट फ्लो कर रहा है सीरीज मोटर से होकर के, ये I करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर जनरेटर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर जो जनरेटर है रीजनरेटिव, और रीजनरेटिव मतलब कि हॉपकिंसन और फील्ड में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों में मोटर जनरेटर सेट हम लोग यूज किए थे। तो जो हॉपकिंसन था, हॉपकिंसन में हम लोग जनरेटर का जो आउटपुट था वो फिर से मोटर में दे देते थे। ठीक है, और इसीलिए इसको रीजनरेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरेटर का जो आउटपुट है उसको एक लोड को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, एक लोड से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम रीजनरेटिव नहीं है। तो रीजनरेटिव मतलब कि हॉपकिंसन और फील्ड टेस्ट में ये थोड़ा सा फर्क है, मतलब दो दो डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक तो ए शंट के लिए था, ए सीरीज के लिए था। दूसरा, हॉपकिंसन मेथड में जो जनरेटर का आउटपुट था वो फिर से मोटर को दिया जा रहा था, यहाँ पर जो जनरेटर का आउटपुट है वो लोड को दिया जा रहा है। ठीक है, लोड के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग को फाइनल निकालना है इफिशियंसी, इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट। ठीक है, आउटपुट बाई इनपुट। अब इसको हम लोग आउटपुट बाई इनपुट को बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेक कर देंगे जैसा कि हम लोग स्विनबर्न और हॉपकिंसन में करते आए हैं। आउटपुट इज इक्वल टू लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉस, इनपुट में से लॉस घटा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और ए कितना होगा, ए बराबर होगा 1 माइनस लॉस बटा इनपुट के। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को सब में करना पड़ता है, तीनों टेस्ट में हम लोगों ने इतना किया है तो ये करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अब हम लोग को लॉस निकालना है। ठीक है, और लॉस में क्या क्या शामिल होगा, लॉस में शामिल होता है कॉपर लॉस। ठीक है, साथ में कॉपर लॉस किसका किसका, ए होगा फील्ड का और साथ में फील्ड वाइंडिंग का और साथ में आर्मेचर वाइंडिंग का, इन दोनों में कॉपर लॉस होता है। और साथ में एक रोटेशनल लॉस हम लोग लिखते हैं, टोटल मिलाकर के तीन लॉस, फील्ड में जो लॉस हो रहा है वो, आर्मेचर में जो लॉस हो रहा है वो, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस और साथ में जो रोटेशनल लॉस होता है वो, तीनों को मिला करके हम लोग का टोटल लॉस निकलता है। तो अब सबसे पहले कॉपर लॉस तो निकालना इजी है, कॉपर लॉस को अभी इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोटेशनल लॉस निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि रोटेशनल लॉस हम लोग निकाल लेते हैं और रोटेशनल लॉस को निकालते ही हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो रोटेशनल लॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, रोटेशनल लॉस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टोटल लॉस माइनस कॉपर लॉस। ठीक है, टोटल लॉस को हम लोग ओमेगा टी से या डब्ल्यू टी से डिनोट करेंगे, टोटल लॉस माइनस कॉपर लॉस।
ठीक है, दो ही लॉस यहाँ पर है, एक रोटेशनल लॉस है और दूसरा कॉपर लॉस है। अगर टोटल लॉस में से कॉपर लॉस हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग का रोटेशनल लॉस मिल जाएगा। अब टोटल लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, तो टोटल लॉस हम लोग को मिलेगा टोटल इनपुट, इनपुट में से अगर हम लोग आउटपुट माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को टोटल लॉस निकालना है। टोटल लॉस निकालने के लिए टोटल इनपुट, टोटल इनपुट माइनस टोटल आउटपुट, जो आउटपुट मिल रहा है वो हम लोग अगर माइनस कर दें तो हम लोग को टोटल लॉस मिल जाएगा। तो इनपुट हम लोग कितना दिए थे, इनपुट हम लोग दिए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं वीटी, टर्मिनल वोल्टेज वीटी है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई। तो हम लोगों ने टोटल इनपुट कितना दिया है, वीटी इंटू आई के बराबर, वीटी इंटू आई, ये टोटल इनपुट हम लोगों ने दिया। आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट हमने यहाँ पर एक लोड लगा रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो इनपुट है इस मोटर को चला रहा है, मोटर से जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के बाद जो आउटपुट मिल रहा है एक लोड को जा रहा है। लोड को कितना पावर मिल रहा है, तो लोड को पावर मिल रहा है वी वन, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वी वन है, और साथ में जो इससे करंट फ्लो कर रहा है वो आई वन करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट लिख लेंगे वी टी वी वन इंटू, ठीक है, ये वोल्टेज वी वन है, वी वन इंटू आई वन, क्लियर है। हम लोग को टोटल लॉस जो था, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, टोटल जो लॉस था हम लोग को वो मिल गया टोटल इनपुट, टोटल इनपुट माइनस टोटल आउटपुट, इनपुट में से आउटपुट घटा दिए तो बाकी सब कहाँ गया, बाकी सब लॉस में चला गया। तो ठीक है, डब्ल्यू टी निकाल लिए, अब हम लोग को डब्ल्यू सी निकालना होगा, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितना होगा। कॉपर लॉस निकालने के लिए डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, कहाँ कहाँ पर लॉस हो रहा है, तो कॉपर लॉस सबसे पहले तो यहाँ पर होगा आई स्क्वायर इंटू आर एस एच, सॉरी आर सीरीज में है तो आर एस ई लिख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, और ए मोटर का है तो एस एम कर लेते हैं, ठीक है, सीरीज, एस मतलब सीरीज समझ लेना है और ए मतलब मोटर का, ठीक है। उसके बाद फील्ड, मोटर का जो फील्ड था सीरीज में लगा हुआ जो फील्ड है, या फिर एफ अगर वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो सारा सीरीज में ही लगा हुआ है, हम लोग एफ एम यूज कर लेते हैं, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है मोटर का वो हो जाएगा आर एफ एम, तो आई स्क्वायर आर एफ एम हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्मेचर मिलेगा, आर्मेचर में लॉस होगा, तो आर्मेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं आर ए एम, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, वहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जनरेटर का, जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वहाँ पर लॉस होगा कॉपर लॉस, तो इसको आर, जनरेटर के लिए जी यूज कर लेते हैं और फील्ड के लिए एफ यूज कर लेते हैं, तो आर एफ जी, ये हो गया टोटल। और साथ में एक जगह और हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर, ये जो आई वन करंट फ्लो कर रहा है वो जनरेटर के आर्मेचर से होकर के फ्लो कर रहा है, जब जनरेटर के आर्मेचर से होकर के फ्लो करेगा तो वहाँ पर लॉस हो जाएगा आई वन स्क्वायर इंटू आर, और आर्मेचर है तो इसके लिए ए यूज करेंगे, जनरेटर है तो उसके लिए जी यूज करेंगे, तो ए हो गया हम लोग का टोटल कॉपर लॉस। तो हम लोगों ने टोटल लॉस निकाल लिया, टोटल लॉस के बाद कॉपर लॉस भी निकाल लिया। अब टोटल लॉस में से अगर कॉपर लॉस माइनस कर लेंगे तो हम लोग को रोटेशनल लॉस मिल जाएगा। अब ये जो रोटेशनल लॉस मिला है दोनों मोटर प्लस जनरेटर का मिला करके मिला है, तो अगर किसी एक का निकालना चाहेंगे तो इतना बाई टू हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल मशीन है तो दोनों पर आधा आधा जो है रोटेशनल लॉस होगा। अब आते हैं इफिशियंसी, हम लोग जनरेटर के लिए यूज करते हैं या फिर सबसे पहले मोटर के लिए यूज कर लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मोटर, तो मोटर के लिए क्या करेंगे, वन माइनस लॉस, लॉस में हम लोग सबसे पहले ओमेगा डब्ल्यू नॉट बाई टू रोटेशनल लॉस, साथ में और क्या क्या लॉस हो रहा है, प्लस हम लोग ले रहे हैं मोटर का, तो मोटर में एक लॉस यहाँ पर दिख रहा है आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, इसका नाम हमने दिया था आर और फील्ड है तो एफ और मोटर का है तो एम, तो आई स्क्वायर आर एफ एम, और साथ में प्लस एक करंट फिर यहाँ पर आ रहा है और आर्मेचर में लॉस हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर ए आर्मेचर और एम मीन्स मोटर, एक टोटल लॉस है इस मोटर के लिए, और तो इसमें कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, दो ठो कॉपर लॉस हो रहा था, एक फील्ड में एक आर्मेचर में और एक ठो रोटेशनल लॉस हो रहा था, टोटल ये तीन ही लॉस था। और डिवाइडेड बाई इनपुट करना होगा, इनपुट हम इसको कितना दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर इस मोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी टू है, ये वी टी जो वोल्टेज है हमारा, ये वी टी वोल्टेज होगा वी टू प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दोनों को मिला करके, ठीक है, यहाँ से जो वायर गया है ये वी टू और प्लस इसका वोल्टेज कर लेंगे तब हम लोग को वी टी मिलेगा। और हम लोग को अभी जो चाहिए वो चाहिए मोटर को हम लोग कितना वोल्टेज दे रहे हैं ओ, तो मोटर को हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ से वी टू, ठीक है, और करंट उसमें फ्लो कर रहा है आई, तो ये हो जाएगा वी टू इंटू करेंट आई, ठीक है, ये इनपुट मिल रहा था इस मोटर को,
तो ये हो गया टोटल एफिशिएंसी इस मोटर का। तो अभी तक सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अभी तक हम लोगों को कुछ डिफिकल्ट वर्ड काम नहीं करना पड़ा है, कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा है, हम लोग बस एक छोटा सा फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो जो रिक्वायरमेंट हो रहा है उसे हम लोग निकालते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं। ठीक है, लॉस में टोटल कॉपर लॉस था, कॉपर में एक आर्मेचर था, एक फील्ड था, एक रोटेशनल था, हमने ले लिया फील्ड, आर्मेचर और रोटेशनल, यही लॉस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटर का, जनरेटर का। तो जनरेटर का एफिशिएंसी 1 माइनस लॉस, लॉस एक बार फिर से होगा ओमेगा नॉट बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ए लिखेंगे आई स्क्वायर आर एफ। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और किसका, जनरेटर का। तो ए हो गया यहाँ पर का कॉपर लॉस और साथ में जनरेटर है, इससे जो करंट आई वन फ्लो कर रहा है उसके वजह से लॉस कहाँ पर होगा, आर्मेचर में। तो आर्मेचर में लॉस हम लोग कितना काउंट करेंगे, आई वन स्क्वायर इंटू आर और आर्मेचर और साथ में जनरेटर का। ठीक है, क्लियर है अभी तक, बहुत कुछ सारा कुछ सिंपल ही गया है। ठीक है, उसके बाद रहा इनपुट। तो जनरेटर का इनपुट अब तक तो हम लोग दो बार पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, स्विनबर्न में भी जब हम लोग जनरेटर का एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो वहाँ पर भी इनपुट देखे थे और हॉपकिंसन में भी जनरेटर का इनपुट देखे हैं। तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि हम लोग जनरेटर का इनपुट कैसे निकालते हैं। जनरेटर का इनपुट क्या होता है, जनरेटर का इनपुट होता है आउटपुट प्लस लॉस। ठीक है, आउटपुट में अगर हम लोग लॉस जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को इनपुट मिल जाएगा, जनरेटर का पूरा पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरेटर का आउटपुट कितना है, जनरेटर का आउटपुट हम लोग देख रहे हैं V1 इंटू आई वन है। तो हम लोग आउटपुट लिख लेंगे V1 इंटू आई वन और साथ में प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, V1 इंटू आई वन, ये तो पूरा आउटपुट मिल रहा था, आउटपुट के साथ साथ जनरेटर का लॉस, जनरेटर का लॉस ऊपर हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस आई स्क्वायर आर एफ जी और प्लस आई वन स्क्वायर आर ए जी। ठीक है, ये हम लोग का टोटल एफिशिएंसी हो गया जनरेटर का। तो बस इतना ही हम लोग को करना था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। हम लोग सीधे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट बाई इनपुट यूज किए, उसके बाद लॉस निकालना था। लॉस में हम लोग को थोड़ा सा स्टेप चलना पड़ता है रोटेशनल लॉस को लेकर के। तो यहाँ पर जो रोटेशनल लॉस था, यहाँ पर हम लोग ने टोटल लॉस में से कॉपर लॉस को माइनस कर दिया, वही रोटेशनल लॉस होगा। ठीक है, टोटल लॉस माइनस कॉपर लॉस। और जब टोटल लॉस हम लोग कैसे निकाल लेंगे, टोटल इनपुट माइनस टोटल आउटपुट, इनपुट में से आउटपुट घटा दिए तो टोटल लॉस हो गया। और कॉपर लॉस सबका चार्ट हो, यहाँ पर चार जगह पर कॉपर लॉस हो रहा था, चारों जगह कॉपर लॉस हमने लिख लिया। जो मेन मुसीबत था ओमेगा नोट हम लोग का निकल गया, जब ओमेगा नोट निकल गया तो बाकी का काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। तो ये है हम लोग का फील्ड टेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं रिटार्डेशन टेस्ट का। ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट का दूसरा नाम है रनिंग डाउन टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट का दूसरा नाम है रनिंग डाउन टेस्ट, नोट कर लेना है। ठीक है, और रिटार्डेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रे लॉस मेजर करते हैं। स्ट्रे लॉस मेजर कैसे करेंगे, तो स्ट्रे लॉस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मोटर होता है उसको हम लोग चला लेते हैं। ठीक है, आर्मेचर सप्लाई वगैरह सारा कुछ देते हैं, उसको चलाते हैं, वो स्पीड में रोटेट करना शुरू कर देता है। जब वो रोटेट करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका आर्मेचर सप्लाई हटा देते हैं, काट देते हैं। जब आर्मेचर सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो घूमते रहेगा, घूमते घूमते फिर क्या होगा, रुक जाएगा। और इस दौरान उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चला जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगा वो रिटार्डेशन लॉस में, सॉरी स्ट्रे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा हम लोग का क्या होगा, स्ट्रे लॉस होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, रिटार्डेशन टेस्ट हेडिंग दे दीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको रनिंग डाउन टेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो स्पीड है मोटर का उसको थोड़ा सा, जो उसका नॉर्मल स्पीड होता है उसे थोड़ा सा हाई करके इसका स्पीड रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटर ये हो जाएगा हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, डी बाई डी टी क्या होता है, पावर, स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा डी के ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम लोग स्ट्रे लॉस के नाम से जानते हैं। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो कितना देगा, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर को डी टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
ये हो जाएगा हाफ जे टू ओमेगा इंटू डिग्री, जहाँ जे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हम लोग को मिलेगा पी इज इक्वल टू, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, जे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और ओमेगा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टू पाई एन बाई सिक्सटी, जहाँ आर पी एम, एन क्या हो जाएगा आर पी एम रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एन बाई सिक्सटी इंटू, यहाँ से भी हम लोग टू पाई एन बाई सिक्सटी, एन को अंदर रहने देते हैं, टू पाई बाई सिक्सटी को बाहर निकाल देते हैं, तब टू पाई बाई सिक्सटी इंटू डी एन बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया टू पाई बाई सिक्सटी, टू पाई बाई सिक्सटी का होल स्क्वायर इंटू जे इंटू एन और डी एन बाई डी टी, ठीक है। ये हमारा पूरा स्टे लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी इसका हम लोग स्पीड और टाइम का अगर हम लोग प्लॉट खींच ले, तो इनिशियली में स्पीड क्या होगा, हाई होगा, धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, घटता चला जाएगा। और डी एन बाई डी टी क्या होगा, इस पर जो स्लोप हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हमारा होगा डी एन बाई डी टी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू पाई बाई सिक्सटी का होल स्क्वायर जे एन इंटू स्लोप ऑफ। तो ये था आज का हम लोग का कंप्लीट डिस्कशन, और इस वीडियो के साथ ही हम लोग का जो टेस्ट था, टेस्ट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जेवी गुप्ता का जो एम सी क्यू है, सॉल्व करेंगे हम लोग डीसी जनरेटर का, और साथ में ट्रांसफार्मर भी देखना है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, अगर किसी टाइप का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।